आपकी वीडियो कुछ इस तरह की है, एकदम बोरिंग। क्या आप अपनी वीडियो में मेहनत तो करते हैं लेकिन वो कुछ इस तरह की बन पा रही हैं? क्या आपको सही रिसोर्सेज नहीं पता जिससे आप अपनी वीडियो में चार चांद लगा पाएं? तो आज इन्वेस्ट कीजिए इस वीडियो में 10 मिनट और पाइए कुछ ऐसा रिजल्ट। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा सारी वेबसाइट्स जो मैं डेली यूज करता हूँ अपनी वीडियोज को एडिट करने के लिए। यह है मेरा सीक्रेट फोल्डर जो मैंने बुकमार्क में सेव करके रखा है। जब भी मैं अपनी वीडियो एडिट करता हूँ इसको खोल लेता हूँ और इसमें है सारा का सारा पिटारा जो भी तुम्हें एक वीडियो एडिट करने के लिए जरूरी होता है। आओ तुम्हें इसमें लेके चलता हूँ। तो सबसे पहली वेबसाइट है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ जब भी मुझे कोई वीडियो अपलोड करनी होती है, उससे पहले thumbsup.tv। अब इस वेबसाइट पर तुम अपना थंबनेल लगाकर चेक कर सकते हो कि वो अलग अलग डिवाइसेस पर कैसे दिखने वाला है और वो भी उसके टाइटल के साथ। और मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना थंबनेल ड्रॉप करना है इस तरह से और यहाँ पर नीचे डाल देना है अपना टाइटल। एंड उसके बाद तुम देख सकते हो ये तुम्हारे लैपटॉप, फोन, टैबलेट, हर जगह यूट्यूब पर कैसा दिखेगा। ये होम पेज है, ये होम पेज स्मॉल है, यहाँ पर ये साइड बार में है। अगर चैनल के पेज पर दिख रहा है तो ऐसा दिखेगा, अगर प्लेलिस्ट में दिख रहा है तो ऐसा दिखेगा। और यहाँ से तुम इसका डार्क मोड भी ऑन कर सकते हो। तो हमेशा मैं फोटोशॉप में थंबनेल बनाने के बाद यहाँ पर डाल के देख लेता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया है कि तुम लोगों को वो दिख ही ना रहा हो। उसके बाद अगर तुम्हें जरूरत है फ्री टेम्पलेट्स की तो मैं एक साइट बनाता हूँ जिसका नाम है jitter.video। यहाँ पर तुम्हें एनिमेटेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जिसको तुम यूज कर सकते हो, जैसे कि ये ट्विटर या फिर एक टेक्स्ट मैसेज या फिर सिंपल बैकग्राउंड। और उसके बाद ये लाइक, सब्सक्राइब और ऊपर ये जो मैसेज वाला नोटिफिकेशन आ रहा है ये भी। और यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाती हैं जिनको तुम एडिट भी कर सकते हो। सिंपल उस पर टैप करो, यहाँ से अपना लोगो चेंज कर सकते हो, यहाँ पर डाल सकते हो तुम अपना कंपनी का नाम एंड डन। उसके बाद तुम यहाँ पर राइट में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब 1080p के लिए तुम्हें प्रो वर्जन लेना पड़ेगा लेकिन सिंपल 720 में मैं एक्सपोर्ट करो और टाइमलाइन पे उसको स्केल कर दो, किसी को क्या ही पता चलेगा। और इसी तरह यहाँ पर तुम्हें अनलिमिटेड टेम्पलेट्स मिल जाती हैं जिसको तुम जैसा चाहो वैसा एडिट कर सकते हो और ये बहुत ही सिंपल भी है। और इसकी खास बात है यहाँ पर तुम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एज ए वीडियो, तो इसको तुम कहीं पर भी यूज करो यार, किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज करो, किसी भी वीडियो में डाल दो। और यहाँ तक कि तुम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एज ए ट्रांसपेरेंट वीडियो भी, या फिर मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के बाद ग्रीन उसको किसी भी सॉफ्टवेयर में रिमूव कर सकता हूं। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट दैट आई यूज डेली वो है mixkit.co और यहां पर तुम्हें स्टॉक वीडियो, स्टॉक म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, वीडियो टेम्पलेट्स सब कुछ ही मिल जाएगा और वो भी एकदम फ्री। जैसे कि मैं यहां पर वीडियोस में चला जाता हूं और यहां से मैं कोई भी वीडियो, जैसे कि मान लो ये पेड़ वाली, एंड यहाँ पर मैं इसे 1080p 720p किसी में मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, या फिर मुझे चाहिए ड्रोन शॉट्स तो वो भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे कि ये है एक ड्रोन शॉट, ड्रोन का शॉट। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर मिल जाता है म्यूजिक जो अपने वीडियोज में तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा इंट्रो म्यूजिक हो सकता है किसी भी वीडियो के लिए। रुको इसे सेव कर लेता हूँ, मैं ही यूज कर लूंगा अगली वीडियो में। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे साउंड इफेक्ट्स। अबे आग लग गई, वुशेस। और इसके अलावा मैं इस वेबसाइट को यूज करता हूँ टेम्पलेट्स के लिए, प्रीमियर प्रो की टेम्पलेट्स। अब जैसे ही तुम यहाँ पर आओगे ऑप्शन तुम्हें मिलेगा एक टेम्पलेट्स का, यहाँ पर तुम्हें प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फाइनल कट प्रो, डाविंची रिजॉल्व सब की टेम्पलेट्स मिल जाती है। मैं प्रीमियर प्रो पे आता हूँ क्योंकि यहाँ पर तुम्हें अच्छे खासे टेक्स्ट इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यूज किया था, ये कास्ट वाला अगर तुम करना चाहो यूज, या फिर ये वाला टेक्स्ट। और यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, यहाँ पर तुम्हें ट्रांजिशंस, लोअर थर्ड्स, ग्लिचेस सब कुछ ही मिल जाता है। नेक्स्ट वेबसाइट के लिए हम आ गए हैं बाहर। जैसे कि आप अपने व्लॉग शूट करते होंगे, आई होप ऐसे ना करते हो, पीछे बहुत शोर आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गाड़ियों का शोर और वो तांगा जो आ रहा है उसका भी शोर। तो अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं या फिर मेरी तरह व्लॉग बनाते हैं तो इस वेबसाइट से आप अपनी बैकग्राउंड की नॉइस हटा सकते हैं। बट बैकग्राउंड में जो लोग आपको घूर रहे हैं उसका आप कुछ नहीं कर सकते इस वेबसाइट से। तो ये वेबसाइट है podcast.adobe.com। ये एक उनका AI फीचर है जो AI की मदद से आपकी बैकग्राउंड नॉइस, शोर शराबा जो भी होता है वो रिमूव कर देता है। काश ये जो मैं फंबल होता हूँ ये भी सही कर पाता। वैसे अब तक आप जो ये ऑडियो सुन रहे थे ये कुछ इस तरह की थी और हाँ बहुत ज़्यादा शोर है, बट इसको इनेबल करने के बाद आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रिस्प हो चुकी है। अब मैं गाना भी गा सकता हूँ लेकिन आप वो सुनना नहीं चाहेंगे।
धन्यवाद। उसके बाद आता है एक और ऑनलाइन टूल मैजिक इरेजर। सिंपल, इस वेबसाइट पर जाओ magicstudio.com, यहाँ पर अपनी कोई भी फाइल को अपलोड कर दो जिसमें से तुम्हें कुछ अनवांटेड या फिर कुछ हटाना है। जैसे कि मैं देख लेता हूँ हमारे पास क्या है हटाने के लिए। हम लास्ट वीडियो का थंबनेल ले लेते हैं, यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड यहाँ पर तुम्हें एक ब्रश मिल जाएगा, इससे देखते हैं हम क्या क्या हटा सकते हैं। मैं ड्रॉ कर दूंगा इस पर इस तरह से एंड ये अपना काम कर रहा है अभी धीरे धीरे। इसने टेक्स्ट भी हटा दिया और पीछे वो बार्स भी ला दिया और वो भी बहुत ही अच्छा टूल है। वैसे मैं एक बार और यहाँ पर भी इरेज करके देखता हूँ। अगर शक्ल भी गायब कर देगा क्या ये मेरी, इनको ट्राई करते हैं भाई। शक्ल भी गायब कर चुका है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर किसी और का फेस लगा सकते हो। मतलब अगर तुम ये काम फोटोशॉप में करते तो तुम्हें कम से कम 5 मिनट तो लगते, बट ये काम यहाँ पर 5 सेकंड में हो गया। तो भाई ये तो एकदम मस्त टूल है, मैं आराम कर सकता हूँ अपना और ये काम करता रहेगा। वाह, AI भी क्या करती जा रही है। उसके बाद फ्री साउंड इफेक्ट्स के लिए, जो कि तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे, उसके लिए मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ जो कि है freesound.org। और यहाँ से मैंने अपनी एनिमे वाली वीडियो के लिए बहुत सारे साउंड्स लिए थे। यहाँ पर तुम्हें इस तरह के साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं जो तुम्हें कहीं भी और नहीं मिलेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी साइट है जो तुम्हें बुकमार्क कर लेनी चाहिए अभी के अभी। अब जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूंगा एनिमे, तो यहाँ पर तुम्हें दी जाएगा इस तरह की तुम्हें साउंड इफेक्ट मिल जाएंगी। फ्री साउंड बहुत ही अच्छी वेबसाइट। देन मेरे पास है कुछ फ्री स्टॉक वीडियोस एंड फोटोज की वेबसाइट जो तुम अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। अगर तुम ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो बनाते हो तो बैकग्राउंड में तुम्हें चाहिएगी बहुत सारी स्टॉक फुटेजेस एंड बहुत सारे स्टॉक फोटोज, तो ये एक वेबसाइट है पिक्सल्स। यहाँ पर मिल जाएंगे तुम्हें फोटोज जो तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। इनका एक बार लाइसेंस तुम पढ़ लेना। फिर यहाँ पर एक्सप्लोर में जैसे ही तुम जाओगे तो यहाँ पर फ्री वीडियोज भी है एंड यहाँ पर अब तुम कुछ भी सर्च करो जैसे फूड, तो यहाँ पर तुम्हें फूड से रिलेटेड वीडियोज देखने को जाएंगी और तुम इसका कहीं पर भी यूज कर सकते हो। जैसे कि डोनट वाले कितनी सुंदर और बेहतरीन वीडियो है, इसको तुम ट्रांजिशन के लिए यूज कर सकते हो। या फिर पिक्सब है, यहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगी स्टॉक इमेजेस। और जैसे तुम यहाँ पर क्लिक करोगे ऑल इमेजेस पर, यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि इस वेबसाइट के पास क्या क्या है। फोटोज, इलस्ट्रेशन, वेक्टर्स, वीडियोस, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, गिफ्ट्स भी है। और यहाँ पर तुम्हें हर चीज का भंडार मिल रहा है। तुम यहाँ पर कुछ भी सर्च करो और वो ही चीज तुम अपनी वीडियोज में यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर इनका लाइसेंस पढ़ लेना, तुम हो सकता है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उस ऑथर को या फिर जिसकी भी वो वीडियो है उसको मेंशन करना पड़े या फिर वेबसाइट को मेंशन करना पड़े। बट ये वेबसाइट्स तुम्हारी गूगल या फिर कहीं और से उठाई हुई इमेजेस और वीडियोस से ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट पर जहां से तुम सर्च कर सकते हो बहुत सारे फॉन्ट, जो कि है atipofoundry.com ऐसा ही कुछ। बट यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे फॉन्ट मिल जाते हैं, वो भी सुंदर सुंदर फॉन्ट। अब ये कोई वैसी वेबसाइट की तरह नहीं है जहाँ पर तुम्हें लाखों करोड़ों फॉन्ट्स मिल जाते हैं, वो भी अलग अलग स्टाइल में, बट यहाँ पर तुम्हें सिनेमेटिक और बहुत ही एलिगेंट फॉन्ट मिलते हैं जो कि तुम हर एक अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। जैसे कि वेबसाइट के खुलने के बाद ही तुम इसका इंटरफेस देखो एंड इस पेज में से बताओ तुम कौन सा फॉन्ट नहीं यूज करना चाहो। यहाँ पर अराउंड तुम्हें 32-33 फॉन्ट मिल जाते हैं टोटल। बट जैसे ही तुम्हें कोई फॉन्ट पसंद आता है, जैसे कि बेज या नैरो वाला फॉन्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर तुम नीचे देख सकते हो कि कैसे कैसे तुम इस फॉन्ट को यूज कर सकते हो, ये तुम्हारा लिखने के बाद कैसा लगेगा, और ऊपर जाने के बाद तुम इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुम पे कर सकते हो। मैं तो फ्री डाउनलोड करूंगा और पे विद ट्वीट। जैसे ही तुम इस पर करोगे, क्रॉस कर दोगे, यहाँ पर 1-2 सेकंड के बाद तुम्हारा डाउनलोड लिंक आ जाएगा और इसे तुम डाउनलोड कर सकते हो। रुको, इंस्टॉल कर लेता हूँ यार मैं, मुझे अच्छा लग रहा है सही में फोल्डर। बट रुक जाओ, ये तो अभी मेरे फोल्डर की शुरुआत है, इसमें से अभी और खजाना निकलना बाकी है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा AI का तड़का ऑन मीम्स। इस वेबसाइट से तुम जितनी चाहो उतनी मीम्स बना सकते हो। वेबसाइट का नाम है supermeme.ai और यहाँ पर तुम अगर चाहते हो टेक्स्ट से ये तुम्हारा एक मीम बना दे, तो यहाँ पर तुम कुछ भी अपना आइडिया डाल सकते हो, जैसे कि spent 10 hours to edit a video intro। अब देखते हैं ये क्या कमाल दिखाता है। यहाँ पर तुम्हें वैसे तो ये बहुत सारे मीम्स बना के दे देगा, बट तुम्हें उसमें से चूज करना होगा कौन सा ज्यादा अच्छा है। जैसे कि when you spend 10 hours to edit a intro, हाँ तुम यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हो, टेक्स्ट एडिट कर सकते हो या फिर तुम जैसा चाहो वैसा बना सकते हो इसको यार। नेक्स्ट वेबसाइट हमारी आती है lalal.ai। हाँ बहुत ही अजीब नाम है, बट ये वेबसाइट क्या करती है, तुम्हारे वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट को ऐसे होंगे वो, उनको अलग अलग कर देती है और इसमें से तुम किसी भी गाने का या फिर किसी भी वीडियो में से बैकग्राउंड म्यूजिक निकाल सकते हो। आई होप तुम समझे होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है,
So hard on myself every goddamn time. ये गाना था। I know it's gonna be alright. और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट अलग हो गया और वोकल्स बंदे के अलग हो गए। फ्री वाले में तुम्हें 10 मिनट मिल जाती है, तो अगर तुम एक वीडियो करना चाहो तो सिंपल इसमें कर सकते हो। तो अभी तक वीडियो में तुम्हें एक भी वेबसाइट ऐसी मिली है जो तुम्हें नहीं पता थी, या फिर तुम्हारे बहुत ही यूज आने वाली है तुम्हारी वीडियोज में या फिर तुम्हारी वैसे भी लाइफ में, तो अभी के अभी जाओ, दिल खोल के कमेंट करो जो भी तुम्हारा मन करे। टारगेट करते हैं हम 2000 कमेंट्स के लिए, और 2000 कमेंट्स होते ही हम डाल लेंगे इस वीडियो का एक और पार्ट, जहां पर मैं अपना दूसरा टूल्स का फोल्डर भी खोल दूंगा। और हाँ, पिछली रिएक्शन वीडियो में जो हमने रील बनाने को कही थी 2000 कमेंट्स में, वो भी जल्दी आ रही है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। टाइटल में मैंने शायद 10 लिखा है, लेकिन मैं खुद ही काउंट भूल गया हूँ ये कौन सी वेबसाइट है, लेकिन बताया जा रहा हूँ तो सुनते रहो। उसके बाद मैं कई बार अपनी वीडियोस में यूज करता हूँ इस तरह का टेक्स्ट जो मेरे पीछे आ रहा होता है, तो उसके लिए तुम एक वेबसाइट यूज कर सकते हो, unscreen.com। यहाँ पर अपनी वीडियो को अपलोड करो एंड उसके बाद ये तुम्हारी वीडियो को ट्रांसपेरेंट बना देगा, तुम्हारा सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा और फिर उसके बैकग्राउंड में तुम कुछ भी डाल सकते हो। वैसे ये चीज आफ्टर इफेक्ट में करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बट यहाँ पर तुम सिर्फ कर सकते हो 10 मिनट के अंदर अंदर। तो हमेशा की तरह वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दें। और हाँ, एक जगह और आते हैं हम, हमारा व्लॉग चैनल अगर किसी ने नहीं देखा तो वहाँ पर जाके देखो, पसंद आए तो उस चैनल को भी लाइक कर दो। आओ इधर हम एक एक गुटखा ले लेते हैं।